हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं फराज और आज चलिए बनाते हैं एक रेसिपी जो सबकी फेवरेट होती है। स्नैक टाइम में काफ़ी इन्जॉय करते हैं इसे और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई वुड लाइक टू से कि जो स्ट्रीट फूड पे जो बिकती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कचौरी की। तो चलिए आज बनाते हैं राज कचौरी। और एक बात, रेसिपी के दौरान मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और सही जवाब देने वाले को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर मूंग दाल लूँगा और उसे सोक कर लूँगा करीबन 2 से 3 घंटे। अब इस मूंग दाल की खासियत ये है कि इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, अनपॉलिश है एंड मशीन सॉर्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप डन, सिंपल। नेक्स्ट मैं बनाऊँगा इस कचौरी का डो। तो उसके लिए मैदा, 1 कप मैदा लिया हुआ है यहाँ पर मैंने, और 1/4 कप सूजी डालूँगा इसमें। उसी के साथ साथ 2 चुटकी बेकिंग सोडा, नमक, बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें पानी डालकर हमें एक पूरी जैसा एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, जिससे हम पूरी तलेंगे जब तो वो अच्छी तरह से फूलनी चाहिए। तो देखिए, आपने मैंने थोड़ा पानी डाला था, अब और थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं इसके अंदर। तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है कभी भी। तो कचौरी की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट फूड। तो कहा जाता है दिल्ली और बनारस में भी जो समोसे हैं वो काफ़ी बाद में है, स्टार्ट हुआ था कचौरी से ही। कचौरी सबसे पुरानी स्ट्रीट फूड है एंड मारवाड़ी जो है दे आर द वन हु इंट्रोड्यूस दिस टू द वर्ल्ड। वो जब ट्रेडिंग के लिए बाहर जाते थे तो दे यूज़ टू कैरी कचौरी बिकॉज इट इज़ विद दाल भी हो जाता था और मैदा काब्स भी हो जाता था उसमें। तो इट वॉज़ लाइक अ क्विक स्नैक विच दे यूज़ टू कैरी जब कभी भी वो बाहर जाते थे दूसरे देशों में, तो ये उनका खाना रहा करता था हमेशा से। और ऑल्सो इट बिकेम अ स्ट्रीट फूड बिकॉज जहाँ पर ट्रेड होता था वहाँ पर फूड स्टॉल्स होते थे एंड वो फूड स्टॉल्स में कचौरियाँ मिलती थी। तो इट वॉज़ लाइक जब इंसान थक जाते थे तो अपने पेट भरने के लिए वो कचौरी खाते थे। तो कचौरी का जो आटा है वो लग चुका है, आप देख सकते ज़्यादा ना सख्त है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये तैयार है, अब इसके पेड़े काट लेते हैं, छोटे छोटे पेड़े इस तरह से मैं डिवाइड कर लूँगा। तो लीजिए, पेड़े हमने काट लिए है। अब इसको अच्छे से एक राउंड सा शेप दे देता हूँ मैं सारे पेड़ों को। पेड़े जो बना लिए हमने, अब मैं उस पर मलमल का कपड़ा ढक दूँगा ताकि आटा जो हमारा है वो सूखे ना। और तेल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने गरम करने रख दिया है, जिसमें जो हम हमारी कचौरी फ्राई करेंगे उसके लिए तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई होना चाहिए। तो तेल ऑलरेडी यहाँ पर गर्म हो रहा है। तो ये लिया हमने पेड़ा और पेड़े को मैं हल्के से ऑयल में डिप कर लूँगा इस तरह से, और उसी तेल को अपने बोर्ड पर लगा के इसे हमें बेलना है। तो हल्का सा तेल लगाकर हमें इसे अच्छे से इवन बेल लेना है पतला, और जैसे ये हो जाए, तेल हमारे यहाँ पर गर्म है और गर्म तेल में बस इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे और एक जारे की हेल्प से इसे फुला लेंगे अच्छी तरह से। तो कचौरी जो है हमारी वो नाइस क्रिस्प तैयार हो चुकी है, इट हैज़ रिटेन इट्स शेप और बढ़िया सी करारी हो गई है। इसे अब मैं निकाल लूँगा एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर। तो इस तरह से हमें और भी कचौरियाँ बनानी है, तो चलिए बना लेते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म क्रिस्प जो कचौरी है वो तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने ढेर सारी कचौरियाँ फ्राई कर ली है और जो इसका मेन टेक्निक है फ्राई करने का वो यही है कि गर्म तेल में इसे डालना है और जैसे ये फूल जाए तेल जो है वो मीडियम में लेके आ जाना है, टेम्परेचर उसका आँच को करना है कम, और उस पर तेल मारते मारते हमें अच्छा सुनहरा होने तक इसे गोल्डन क्रिस्प फ्राई कर लेना है। अब और एक बात, ये फ्राई होने के बाद हमें ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है इसे खुला,
करीबन 2 से 3 घंटे. क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा इसमें से, और जो पूरी है, जो कचौरी है हमारी यहाँ पर हमने जो तैयार की है, वो और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी. एंड देन वी आर गोइंग टू असेंबल इट इनटू अ राज कचौरी. तो वन कंपोनेंट ऑफ द राज कचौरी जो मेन है वो हो गया है, बन के तैयार है. अब चलिए बढ़ते हैं इसकी पकौड़ी की तरफ. जो हमने मूंग दाल भिगो के रखी थी उसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे. जी हाँ, वो भी एक कंपोनेंट है इसका. तो उसकी शुरुआत करते हैं. फ़िलहाल तेल मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जो दाल भिगाई थी उसे हम पीस लेते हैं. तो यहाँ पर जो भिगाने रखी थी दाल, मैंने ऑलरेडी एक बैच सो करके रखा था, तो वो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो ये अच्छी तरह से भीग के हाइड्रेट हो चुकी है दाल, और दाल को हमें बिगर पानी के दरदरा सा अच्छा पीस लेना है इसे, क्योंकि इसके बनेंगे पकौड़ी. तो ये सारी दाल इसके अंदर, और अब इसको बन करके इसे हमें पीस लेना है. तो लीजिए, अच्छी तरह से हमने मूंग दाल को पीस लिया है. तो ये इस दाल के पेस्ट को हम निकाल लेते हैं एक बोल में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये नाइस एंड थिक है. इसी तरह हमें पीसना है इसे, ना कि एकदम स्मूथ बैटर बनाना है. तेल, क्योंकि हमने अभी कचौरी फ्राई करी थी, मैंने आँच को थोड़ा कम कर दिया, बट तेल हमारा गर्म है, तो फटाफट से वही तेल में पकौड़ी भी तल लेंगे. तो चलिए फटाफट से इसमें डालते हैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, ज़्यादा नहीं, अजवाइन, विच इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो अजवाइन इसके अंदर, थोड़ी सी सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और इसी के साथ साथ एक चुटकी भर बेकिंग सोडा डालूंगा मैं. अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा मैं, और एक्चुअली स्पून क्यों, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे ताकि जो पकौड़ी है वो नाइस एंड फ्लफी और सॉफ्ट बने, और बाहर से क्रिस्प हो. और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे ताकि इसका जो रंग है वो अच्छा सुनहरा आए. तो हल्दी आ गई, मसाले आ गए इसके अंदर, और तेल भी हमारा गरम है. तो गरम तेल में पकौड़ियों को तल लेते हैं. छोटी छोटी पकौड़ी बनाएंगे क्योंकि हमें स्टफ़ करना है इसके अंदर. और अगर आप चाहो, अगर आपको खाली पकौड़ी बनाना है तो आप बड़ी भी बना सकते हो. तो इसलिए चलिए इसे अच्छे से गर्मा गर्म तेल में हम फ्राई कर लेंगे. और जब तक कि पकौड़ियाँ यहाँ पर गर्म हो रही है, मैं एक बोल में थोड़ी सी हींग डालूँगा यहाँ पर, और एक हींग का पानी बना लूँगा जिसमें ये पकौड़ी को हमें सोक करना है. तो हींग में मैं यहाँ पर गुनगुना पानी डालूँगा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये हमारा हींग का पानी तैयार है. चलिए जी, पकौड़ियों का क्या हाल है? पकौड़ियों का रंग बड़ा अच्छा लग रहा है, दे हैव गॉट नाइस गोल्डन कलर, और तैयार है देखिए. चलिए इन्हें प्लेट पर निकाल लेता हूँ मैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे पहले. तो लीजिए, पकौड़ी गरम गरम तैयार है, और तुरंत ही जैसे ये गरम है हमें इसे डालना है इस हींग के पानी में. तो लीजिए इसे हम डाल देते हैं हींग के पानी में, और अब इसे अच्छी तरह से सोख होने देना है, और ये सॉफ्ट हो जाएंगे. तो पकौड़ियाँ तैयार हो गए गर्म पानी में, मैंने इसे सोख करने रख दिया है हींग वाले पानी में. कचौरी तैयार है. दही, उसको फ्लेवर कर लेते हैं हम. दही में मैं डालूँगा शक्कर, पाउडर शुगर, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर. इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा मैं इसी में, ताकि जो दही है वो हमारी एक स्वीट फ्लेवर की दही बने. तो दही जो है वो अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने. तो ये हमारी दही तैयार, और नाउ लेट्स असेंबल द राज कचौरी. और राज कचौरी को असेंबल करने से पहले चलिए पूछ लेता हूँ आपसे सवाल. सवाल ये है कि जो मैंने मूंग दाल इसमें यूज़ की थी, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खासियत आपके साथ शेयर की थी, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख भेजिए, और सही जवाब देने वाले को टाटा संपन्न की ओर से मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर. तो चलिए, जो राज कचौरी है उसे क्रैक कर लेते हैं इस तरह से. देखिए नाइस एंड क्रिस्प है ये, और अब इसे स्टफ़ कर लेंगे
तो सबसे पहले चलिए जो पकौड़ी बनाई है उसे मैं लूँगा और बस इस तरह से तोड़ कर इसके अंदर डाल दूँगा। इसी के साथ जो बॉइल्ड पटेटोज़ है वो कट करके रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। और इसके ऊपर ये बॉइल्ड स्प्राउटेड मूंग, दही जो हमने बनाई है, धनिया पुदीने की चटनी, डेट एंड टैमरिंड चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, थोड़ी पीली मिर्च का पाउडर, फ्रेश पोमेग्रेनेट पर्ल्स, पापड़ी है वो ऐसे क्रश करके डाल दूंगा मैं, फाइनली थोड़ा सा सेव, थोड़ी नमकीन मूंग दाल और फ्रेश कोरिएंडर। तो लीजिए फाइनली द राज कचौरी इज रेडी। बहुत सारे कंपोनेंट है, थोड़ी मेहनत है, थोड़ी शिद्दत है, बट एज यू कैन सी द एंड प्रोडक्ट इज टोटली डिवाइन एंड इंडल्जिंग। सो आई एम गोइंग टू इंडल्ज इन दिस। यू डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड मेक दिस फॉर योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड डू लेट मी नो। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग रेसिपी डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन बाय बाय।